2024 लोकसभा चुनाव की आपने शुरुआत की थी, तो चुनाव बिल्कुल नीरस नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था विपक्ष है ही नहीं कहीं, और बीजेपी बहुत आसानी से चुनाव जीत ली, हालांकि अभी भी आप लोग चुनाव जीत लेंगे, लेकिन जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर सर कई जो आपकी सेफ सीटें थी उन पर आप लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो थोड़ी देर के लिए एक सेटल डाउन जिसको बोलते हैं, वो एक मोमेंटम होता है, बीजेपी का मोमेंटम होता है। फिर जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आशाएं होती हैं, 10 की होती हैं, उसमें से एक को मिलता है, 9 को संभालना पड़ता है, तो उसमें 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन जाते हैं, कई बार ज़्यादा भी दिन चले जाते हैं, लेकिन इस बार समय ज़्यादा था तो उसको हम लोगों ने मैनेज किया है। और चुनाव तो संघर्ष के साथ ही लड़ा जाता है। सर, सेफ सीटों पर संघर्ष ये अच्छे संकेत नहीं है, अगर जो नीचे से लेकर स्टेट के लोग अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल रहे हैं और उन सीटों पर संघर्ष आपको करना पड़ता है, क्या बाद में उनकी जवाबदेही तय होगी? ऐसा है, पार्टी कंटिन्यूअस प्रोसेस में सोचती रहती है अनुराग जी, और चर्चा भी करती रहती है, लेकिन हमारा निर्णय गलत नहीं है, उन सारी परिस्थितियों में बेस्ट पॉसिबल जो होता है उसको हम आगे बढ़ाते हैं।